हे गाइस, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये मैं बना रही हूँ मंचूरियन आप सभी के लिए मैं अपने फैमिली के लिए बना रही हूँ। आप सब भी मेरे फैमिली हो और आ जाओ आप सब मेरे घर पे, प्यारे प्यारे हाथों से आप सभी को खिलाऊंगी एंड ये बना रही हूँ मैं मंचूरियन। इसमें मैंने डाला कॉर्नफ्लोर और क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट, कैप्सिकम और क्या बोलते हैं उसे, कैबेज और कैरेट। मेरे पास नहीं थे अवेलेबल तो फिर वो नहीं डाला मैंने। और इसमें पीस के डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, उससे ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती इसमें, तो फिर मैंने वही सब डाला इसमें। और फिर इसमें डाला कुछ मसाले जो थे, हल्दी पाउडर छोड़ के इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़े गरम मसाले, बस यही सब डाला। ज़्यादा मसाला मैंने इसमें नहीं डाला, ऐड नहीं किया क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो फिर मैंने वो नहीं डाला। और सब कुछ डाल के इसको बाइंड करके और मैं इसको तलने के लिए डाल दी। और इधर जो मैंने सब कुछ काट के रखा था ना, फिर ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाई और उसको इसमें फ्राई कर रही थी ताकि वो जल्दी हो जाए क्योंकि मेरे हैवी का ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं फटाफट जल्दी खाना बना रही थी, तो फिर मैंने चलो आप सभी के साथ मैं सूट कर दूँ। फिर इसको लाइट गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई किया और इसमें हल्का सा नमक डाल दिया ताकि ये जल्दी से गल जाए। और इसमें ये टेस्ट के लिए ये भेज मंचूरियन मिक्स मसाला मैं डालती हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका, मतलब इसका टेस्ट यम्मी लगता है, यम्मी वाली आप क्या भी। और सब बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा है मेरे घर पे एंड आई होप कि आप सबका भी अच्छा चल रहा होगा। और इधर मेरा मंचूरियन के पकौड़ी बन के रेडी हो गए और अब मैं इसमें जाऊंगी इसमें ऐड करने। और ये इसमें उबाल आ जाए ना तो फिर इसमें डाल देना और 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देना। और इसमें क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहते हैं पानी, मसाले के पानी तो बहुत अच्छा, मतलब कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं फिर अच्छे लगते हैं उसको खाने में। तो फिर मैंने ऐसे ही बनाया मंचूरियन, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो गया। ये रहा वाव, इसमें मैंने वो चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस की प्यूरी बनाई और डाल दिया। सो इसकी कलर बहुत अच्छी आई है, खुशबू भी बहुत अच्छे आ रहे। और आप सभी को खाने पे इनवाइट, आप जल्दी ले आओ मेरे घर खाने के लिए एंड ये बन के मेरा रेडी हो गया। और इधर से मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मेरा, और मैं लेट भी हो रहा है और मैं वक्त निकाल के अपना वीडियो शूट भी कर लेती हूँ, कुछ तो करना है ना।